नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्या नरम च नरोत्तम देवी सरस्वती ततो जया मुदीर नष्टाषु अभद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टी ओ शांति 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 जय गोपाल आइए सत्संग जनों श्रीमद भागवत गीता के सत्संग समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन श्रीमद भागवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं तीन गुणों के विषय विशे में विशेष रूप से बोल रहे हैं कर्मों के विषय में भगवान ने बतलाया है कि हे अर्जुन कर्म के बिना कैसे तेरा निर्वाह होगा कर्म तो करना पड़ेगा कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए लेकिन कर्म कर्मों के फल को जो त्यागता है और बुरे विचारों का भी त्याग करता है वो त्याग सात्विक त्याग है इस विषय में पिछले सत्संग में कहा सत्संग किया था श्लोक नौ है अठारवे अध्याय में कार्य यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त फलम सात्विको मता अपन कर्म करते हैं और उस कर्म का फल तो आता ही है चाहे हम आम का या गेहूं का खेत में गेहूं पैदा करते हैं आम का पेड़ खड़ा करते हैं सींचते हैं आम आते हैं फल आता है या कोई और कर्म करते हैं जिससे फल आता है कोई जॉब करते हैं वेतन आता है फल है या कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री चलाते हैं तो उसका प्रॉफिट आता है फल आता है करेक्ट तो फल का त्याग कर देंगे भगवान कह रहे फल का त्याग कर देना चाहिए यह सात्विक त्याग है सात्विक त्याग है त्याग के विषय में बतला रहे हैं, तीन प्रकार का त्याग है सात्विक त्याग को समझ लीजिए तो बाकी रजोगुणी तमोगुणी त्याग तो समझ ही जाएंगे आप वो पहले बतला दिए हैं कर्म करना चाहिए कर्म को त्यागना नहीं चाहिए लेकिन कर्म के फल को त्याग देना चाहिए तो बोलो कर्म करें आप सोचेंगे कर्म करें मेहनत करें कड़ी मेहनत करें और उसका फल आए उसको त्याग दे ये कहां का न्याय हुआ नहीं भगवान कहते हैं कि वो फल जो आएगा उस पर आप अपना आदिपत मत जमाइए आप उसके मालिक मत बनिए क्योंकि वास्तव में आप किसी भी चीज के मालिक नहीं है सबके मालिक तो प्रभु एक ही है राम भगवान है ये सारी पृथ्वी वसुंधरा उनकी प्रॉपर्टी है हमारी नहीं हम समझ लेते हैं अहंकारवश कि नहीं ये मेरा है ये मेरा है ये अहंकार भाव जो है ये भगवान से दूर ले जाता है फल का त्याग का मतलब है कि आप जो आपके घर में फल आया या आपका जो खजाना है तिजोरी है या जो भी प्रॉपर्टी है उसके प्रोपराइटर मत बनिए आप उसके मैनेजर बनिए भगवान को रहने दीजिए समझदारी है सात्विक पुरुष की कि ये जितना भी मेरे पास धन है इसके मालिक भगवान है ये संपदा भगवान की है यहां तक भी जो ज्ञानी पुरुष हैं वो जानते हैं कि ये बाल बच्चे ये सब प्रभु के मेरा क्या है कहते हैं सच्चे हृदय से कहते हैं बुजुर्ग पुराने लोगों के संपर्क में आइए कितने बाल बच्चे हैं आपके जी बोले मेरा क्या है जी ऐसे चार छः हैं मेरा क्या है उस प्रभु के हैं उसकी फुलवारी है ये ये फल का त्याग है फल मिला आपको चार पुत्र मिले दो पुत्रियां मिली ये फल मिला दाम्पत्य जीवन का लेकिन आपने इस पर अपना अधिकार नहीं जमाया कि मेरे चार बेटे हैं जी बड़े बलिष्ठ हैं बड़े होनहार हैं जी नहीं आपने कहा हम्बल हृदय से नम्र हृदय से कि ये सब प्रभु की फुलवारी है उनकी देन है उन्होंने दिए चार पुत्र हैं चार पुत्रियां हैं सब उनके हैं हमारा क्या है इसमें बोलो बड़ा आलीशान बंगला बनाया है जी बोलो सब प्रभु की कृपा है उन्हीं का है हमारा क्या है हम रह रहे हैं इसके अंदर उन्होंने रखा है हमें यहां पर उनकी प्रॉपर्टी है बड़ा धन है आपके पास सब उसका है मेरा कुछ नहीं है जी आपकी भावना यह होनी चाहिए कि मैं उसका भगवान का दास हूं उनके दासों का दास हूं मैं इस प्रॉपर्टी का इस धन का इस खजाने का मैनेजर हूं इस फल का जो फल आया मेरी फैक्ट्री का कर्म का जॉब का इसका मैं एक मैनेजर हूं इसको संभाल के रखना व्यवस्थित रखना और किस तरह से खर्च करना है शुद्ध कार्यों में इसको खर्च करना जिन कार्यों के करने से प्रभु प्रसन्न होते हो ऐसे कार्य करना तो आप संसार में लिप्त नहीं होंगे आपकी भावना उज्जवल होगी और प्रभु को प्रसन्न करेंगे प्रभु की सेवा में लगाएंगे प्रभु की सेवा क्या है यज्ञ दान तपे कर्म त्याज्यम कार्यम ये इनको कर्म करते हुए करना चाहिए कभी त्यागना नहीं चाहिए यज्ञ यानी जो सबको लाभान्वित करते हो पशु पक्षियों को भी सभी मनुष्य जाति को लाभ पहुंचाते हो ऐसे यज्ञ अपनी कैपेसिटी से करना सबको खुश करने का प्रयत्न करना जो आपके पास बहुदायत में है भगवान की समझ के प्रॉपर्टी को और भगवान प्रेरणा दे ऐसे उनको व्यवस्थित करना शुद्ध कार्यों में लगाना अंधों के इलाज के लिए अस्पताल बनाना असली आंख तो खुलती है शुद्ध स्थानों में ध्यान केंद्रों में भक्ति केंद्रों में आश्रमों में अस्पतालों में लगाना शुद्ध कार्यों में लगाना शराब पी के बर्बाद नहीं करना जुआ खेल के नहीं गवा देना वेश्यालय में जाके नहीं गवा देना या किसी को इधर से उधर किसी को खत्म करवाने के लिए उसको नहीं सुपारी दे देना किसी को कि लो भैया दस लाख रुपए मार डालो साले मेरा दुश्मन है नहीं शुद्ध कार्य में लगाना भगवान प्रेरणा देंगे आपको कि मेरा पैसा है इसको इससे यह कार्य करो मैं प्रसन्न होऊंगा आपका हृदय कहेगा हृदय में बैठे हुए परमात्मा उपद्रष्टा अनुमंता वो सबसे बड़े सलाहकार हैं वो आपको सलाह देंगे प्रेरणा देंगे फल का त्याग कर्म का त्याग नहीं कर्म तो करना चाहिए फल का त्याग कर देना चाहिए ये सात्विक त्याग है त्याग की परिभाषा भगवान ने बतलाई रजोगुणी त्याग कर्म का त्याग करते हैं दुख समझ करके ये रजोगुणी त्याग है काय कलेश ये जो भय के कारण काय कलेश शरीर को कष्ट होगा ऐसे सोच करके कर्म का त्याग कर देते हैं लोग ये रजोगुणी त्याग है इस त्याग के लिए भगवान ने श्रेष्ठ नहीं बोला सकृत्म त्यागम नए त्याग फलम लभित इस त्याग का फल भी नहीं मिलता ऐसे त्याग का कि नहीं नहीं करुणा ऐसे तमोगुणी त्याग है, मोह के कारण इल्यूजन के कारण त्याग कर देता है आदमी किसी भी वस्तु का तो ये त्याग की परिभाषा दी सतोगुणी त्याग को भगवान ने श्रेष्ठ कहा नैष्ट कुशलम कर्म कुशल नुसजते त्यागी सत्वम समाविष्ट सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय